Hey guys, this is Raj and welcome to my YouTube channel Raj Maths. Friends, आज 11 जुलाई है, 11 जुलाई यानी सीआरपी का पेपर चल रहा है, तो फर्स्ट खत्म हो चुका है. हमारे पास कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आए, कुछ जीके जैसे का, साथ साथ कुछ हिंदी के. चलिए क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ये है आपका, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ कह रहा है संख्या में 12.5% की एक कोई संख्या है जिसमें 12.5% की वृद्धि की गई है, तो करने पर संख्या क्या वो 72 हो जाती है, तो पूछा संख्या क्या है. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है. अगर 12.5% बोला गया तो 12.5% की वैल्यू कितनी को फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, 1/8. यानी हम कह सकते हैं कि एक संख्या जो कि 8 है और 8 में से एक की वृद्धि हुई है तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. और वो कह रहा है कितना हो जाती है, 72 हो जाती है. यानी इसका मतलब ये जो बढ़ी हुई संख्या 9 है ना, इसकी वैल्यू 72 हो जाती है. आपसे पूछा संख्या नहीं, ये संख्या यानी मूल संख्या पूछा है. ठीक है, हम कर सकते हैं कि 9 का वैल्यू 72, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8×8 यानी 64. ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करता तो 6 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में करें. ये आपका रिलेटेड किससे है, एम डी और एक्स. ठीक है, हम कह सकते इसको m1 d1 = m2 and d2. ठीक है, m1 कितना है 12 यानी 12 व्यक्ति है, d1 कितना है 4 दिन, m2 कितना 6 और d2 ऊपर निकालना है. तो ये आराम से हो जाएगा, 6×12 और 4×8 यानी d2 कितना हो जाएगा हमारा, 8 दिन हो जाएगा. अगला क्वेश्चन हमारा जीके जीएस से है, ये पूछ रहा है यमुना की सहायक नदी कौन सी है. यमुना की सहायक नदी क्या क्या है, ये चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन, ये सारी यमुना के सहायक नदी है. ठीक है, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है. इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो यह 6387 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड में निचले हिमालय में बांदरपोक चोटी के दक्षिण पश्चिमी ढलान में बहती है. उसके बाद एक टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है. एक क्वेश्चन आया था मार्ले मिंटो में भारत का गृह सचिव कौन था, उस वक्त जब मार्ले मिंटो था उस वक्त गृह सचिव यहाँ पे कौन था. ठीक है, तो वो था एडविन मॉन्टेग्यू. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या आमतौर पर मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में औपनिवेश सरकार द्वारा भारत में धीरे धीरे स्वशासित संस्थानों को शुरू करने के लिए ये सुधार थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जसराज पंडित, एक क्वेश्चन आया था कि जसराज पंडित किस घराने से संबंधित है. अगली क्वेश्चन है कि बेगमपुरी जो मस्जिद है वो किस शहर में है, तो यह पर दिल्ली, लाहौर, आगरा में है ना. अगली क्वेश्चन है कि इनमें से एक आई थी क्वेश्चन, इनमें से कौन संविधान की विशेषता नहीं है, तो ये वहां पे हम ये कह सकते हैं कि जब ऑप्शन. अगली क्वेश्चन है प्लासी, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को. यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था. यहाँ पे अंग्रेजों ने लड़ाई जीत ली और भारत में अंग्रेजों के लिए निर्णायक लड़ाई साबित हुई है, यानी उस दिन से अंग्रेज यहाँ पे एंट्री करना शुरू कर दिया. अगली क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर क्या था, तो यह था 17.70%, जिसे पुरुष 17.19 और महिलाएं 18.12%. प्रारंभिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में 1210.19 मिलियन लोग रहते हैं, इनमें से 623.72 मिलियन इसमें से ये पुरुष की संख्या और ये आपका महिलाएं की संख्या. एक क्वेश्चन आया था तालाब का पर्यायवाची शब्द पूछा था, जो कि आप सरोवर भी हो सकते हैं इसका. ठीक है, नेक्स्ट उसमें पूछा था यीशु का जो है पर्यायवाची शब्द. और एक क्वेश्चन आया था कि नीलकंठ का संधि विच्छेद क्या होते हैं. एक इसमें से एक और क्वेश्चन आया था कि आपका सा रे कहाँ पर जो है वो कहाँ से लिया गया है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन से. इसके अलावा जो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है वो रीजनिंग में क्वेश्चन रिलेशन सबसे ज्यादा, नहीं रिलेशन मतलब क्या, ब्लड रिलेशन से, यानी रीजनिंग में जो क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से ज्यादा थे. ठीक है, फिर आपका यहाँ से और मिरर पूछा गया था, यानी इमेज, मिरर इमेज पूछा गया है. फिर आपके कोडिंग डिकोडिंग पूछे गए. ठीक है, अगर मैं इधर बात करूं हिंदी में और क्या क्या पूछा गया, तो हिंदी में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट ने बताया क्वेश्चन वो समाज से ज्यादा क्वेश्चन है. ठीक है दोस्तों, ये सारे हमारे क्वेश्चन है फर्स्ट के. और भी हमारे पास डेटा जैसे आता है मैं आपको डेटा के साथ सारे क्वेश्चन बता दूंगा. ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू. और अगर आपको PDF चाहिए हमारे तो आप टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ व्हाट्सएप का लिंक भी होगा, उसमें भी जाकर मेरे से जुड़ सकते हैं. ठीक है, बाय बाय.